हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो सब ऐसे ही बढ़िया करते रहो और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो गाइस, इस साल का मेरा ये पहला व्लॉग है, तो सोचा इस पहले व्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट मंदिर से, जो कि फरीदाबाद की रोड पर पड़ता है। हनुमान जी की मूर्ति है जो, तो आज हम जाएंगे वहीं पर ही। तो उससे पहले कुछ काम है मेरे पास, कि जैसे कि स्कूटी धुलवानी है, पेट्रोल भरवाने हैं, तो फिर ये दोनों काम करवा के सीधा चलते हैं हम मंदिर में। तो ये सब भाई चिढ़ते हैं मेरे से यार, ये व्लॉग करने नहीं देंगे मेरे को कुछ भी। तो कोई नहीं, चलो इनको सबको इग्नोर करो, ठीक है। जो बैकग्राउंड में जो ये सब म्यूजिक बज रहा है, तो इन्हें इग्नोर करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा मंदिर पे। तो हमें जान तो सुबह ही निकल जाते हैं, पर ये क्या कहते हैं, सुबह बहुत कोहरा था ना, तो इस चक्कर में हम गए नहीं। तो अभी कम से कम 1 बज रहे हैं दिन के, तो अब हम जा रहे हैं क्योंकि कोहरा अभी हटा है। तो आजकल बहुत ठंडा दिल्ली में यार, तो हम निकलते हैं, स्कूटी भी मिलती है डायरेक्ट। गाइस अब चलते हैं, हम लेते हैं अपना हेडफोन फोन और हेलमेट। तो टाइमिंग देख लो यार, 1:20 हो रहे हैं, तो चलते हैं। फ़ोन रखो, हेडफोन या ये सब ब्लॉक करने नहीं देंगे। ये गाइस हम हैं, मेरा भाई, ये बताओ इनमें से कौन सा हूँ मैं। ये आपके लिए एक टास्क है, तो सब कमेंट में बताना कि इनमें से मैं कौन सा हूँ, ठीक है। तो लेते हैं हेलमेट, सबसे पहले करते हैं लाइट्स ऑफ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो ये है मेरी एंटोक, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, देख रहे हो। तो इसको पहले धुलवाना है और फिर निकलते हैं सीधा हम अपने राइड पे। तो करते हैं इसे स्टार्ट। मेरे को कैसे जैसे ये स्टार्ट कब कर लिए तेरे को। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपनी स्कूटी धुलवाने के लिए, तो मिलते हैं सीधा वहीं पर ही। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जनकपुर की रोड पे। हम जा सकते थे फरीदाबाद की रोड से भी, पर सोचा कि हम अपने यहीं से ही शॉर्ट थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट पड़ता है, तो यहीं से ही चलते हैं। तो गाइस अब आने वाला है मांडी गांव, और ये जो लेफ्ट साइड में जो गली जा रही है, ये हमारा स्कूल है। 11th 12th हमने यहीं से करी है, बाबा नीम करोली। तो वो भी क्या दिन था यार, अपने घर से हम यहाँ तक हम आते थे पैदल या फिर लिफ्ट विफ्ट मांग के। और सब अपने लाइफ में सब अब अलग अलग हैं, कोई कहीं तो कोई कहीं, पर सही है, सब बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोग भी ऐसे बढ़िया करते रहें, और मिस भी करता हूँ उन सभी को जो हमारे सब साथ थे, अभी भी हैं साथ, बस थोड़ा सा बिजी हैं, कभी हम बिज़ी कभी वो बिज़ी। तो सही है, सब सही चल रहा है। हम जा रहे थे हनुमान मूर्ति के पास, तो हमें रास्ते में मिला फरीदाबाद की रोड पे, जो कि
यहाँ पे देख सकते हो चीता, चीता देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो और इस साइड ये है नील गाय, थोड़ी नील गाय। तो यही कहना चाहूँगा कि रात में जब भी आप यहाँ पे सफ़र करो या जाओ तो प्लीज़ गाड़ी ना रोके, क्योंकि चीता या मतलब कुछ जानवर दिख सकते हैं, जैसे कि मेरे सामने आप देख सकते हो बहुत सारे मंकी है पीछे। तो प्लीज़ ड्राइव सेफ। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पे, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है। ये आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ तो आज बहुत ज़्यादा क्राउड है थोड़ा बहुत। तो जय बजरंगबली। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हनुमान जी की मूर्ति के पास, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, और ये रही अपनी सवारी। आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का, और ये सामने पुराना मंदिर, और ये अपने हनुमान जी। हेलो गाइस, जैसे कि आप सामने ये मंदिर देख पा रहे हैं, बाबा तेजराम का इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, तभी उनकी यहाँ पे समाधि स्थल बनाया गया है। कहते हैं किसी समय इस मार्ग पर बहुत सड़क दुर्घटनाएँ होती थी, इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बाबा तेजराम के देखरेख में 1976 में यहाँ इस मंदिर का नींव रखी गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जी की जो ये बैठी हुई मुद्रा में, ये भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 108 फुट है। इसकी प्रतिमा का निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था, और 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 2019 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो अब चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और यार जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।